नमस्कार मित्रों, आज हम भागफल की जो प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बच्चों को समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम भाग की प्रक्रिया सीखेंगे एक डिवीज़न चार्ट के माध्यम से। इसको हमने एक TLM के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं कि यदि हम किसी संख्या से भाग देते तो क्या होता है, और चूँकि भाग जो है उसमें हम शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है भाग। यहाँ पे हमने जैसे 12 भागित 6 लिखा है, मतलब 12 को 6 समान भागों में विभाजित करना, तो 12 जो है हमारा वो भाज्य कहलाता है और 6 हमारा भाजक हो गया। और इस भाजक से भाजक को भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहेंगे, और जो हमें अंत में कोई या राशि शेष बचती तो उसे हम शेषफल कहेंगे। आइए हम इसको एक TLM के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक हमने समस्या ले ली है कि 17 में 5 का भाग देना है, यानी हमको 17 को 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो विभाजित करने पर हम देखते हैं कि हमने TLM के रूप में जो हमारे पास चम्मचें हैं इनको हमने रंग बिरंगी ले लिए हैं, और जो हमारा भाज्य है उसको हमने कुछ इस तरीके से लगा लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो 17 है। अब यहाँ हमने कुछ कप लगा रखी है जिसमें हम भागफल के रूप में देखेंगे। भागफल में आप देख रहे हैं कि 17 को 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। हमारी यदि हमने 5 चम्मचें 1, 2, 3, 4 और 5, हम एक एक कप में 5-5 चम्मचें रखते जाएंगे। फिर से पुनः दूसरे कप में रखने का प्रयास करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर तीसरे कप में भी देखते हैं, तीसरे कप में रखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 बराबर भागों में विभाजित नहीं हुआ, अर्थात हमारे पास 2 चम्मचें शेष रह गई। अब 2 चम्मचें शेष रह गई, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कप में चम्मचें रखी गई हैं, अर्थात हमारे पास 3 कपों में चम्मचें रखी गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा भाग फल है वह होगा 3, और जो हमारा शेष कितनी चम्मचें बची हैं, 2 चम्मचें बची हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वह हमारा शेष फल होगा और भाग फल हमारा क्या होगा, 3 होगा। हमारे पास एक और समस्या है जिसे 12 में हमको 6 का भाग देना है, यानी हमारा भाज्य जो है 12 है और 6 जिसका भाजक है। अब आप देख रहे हैं कि 12 को हमें 6 बराबर भागों में विभाजित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 12 चम्मच ले लिए भाज्य के रूप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हमको 6-6 चम्मचें प्रत्येक कप में रखनी है। इस तरीके से भाज्य हम भाग दे देंगे। हम रखने का प्रयास कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक कप में हमने 6 चम्मच रख दी, फिर दूसरी कप में भी रखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप देख रहे हैं कि हमने 2 कपों में बराबर भागों में 6-6 चम्मचें रख दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जितनी कप में चम्मचें रखे हैं वह हमारा भागफल हुआ है, मतलब 2 कपों में रखें अर्थात हमारा जो भागफल है 2 हुआ, और हमारे पास कोई भी चम्मच शेष नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो शेषफल है वह होगा 0। इस प्रकार आप अपने बच्चों के बीच में इस TLM डिवीज़न चार्ट के माध्यम से आप भाग की जो संक्रिया है बड़े आसानी से समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं।